नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों आज पूरा देश गुस्से से उबल रहा है क्योंकि आज से ठीक 3 दिन पहले 14 फरवरी 2019 को जम्मू एंड कश्मीर के पुलवामा में हमारे सुरक्षा बलों पे आज तक का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला हुआ है और इसमें सीआरपीएफ के 44 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए हैं। ये हमला 2016 में उड़ी में हुए आतंकवादी हमले से भी बड़ा है और इसने पूरे देश के सब्र को तोड़ के रख दिया है। दोस्तों जब देश के 44 जवान शहीद होते हैं तो उसे हमला नहीं युद्ध कहना चाहिए और आज देश का मूड यही कहता है कि युद्ध का जवाब युद्ध से देना चाहिए। ऐसा जवाब मिलना चाहिए जिसे पूरी दुनिया याद रखे। अब सर्जिकल स्ट्राइक्स नहीं, पूरी सफाई होनी चाहिए। दोस्तों आपको करगिल युद्ध तो याद होगा, करगिल युद्ध 60 दिन तक चला था और इस युद्ध में हमारे 527 जवान शहीद हुए थे और इस तरह देखें तो करगिल युद्ध में हर दिन हमारे 9 जवान शहीद हो रहे थे, पर यहाँ एक ही दिन में 44 जवान शहीद हो गए तो इसे युद्ध नहीं तो क्या कहना चाहिए। दोस्तों पुलवामा के हमले की जिम्मेदारी जैश महमूद ने ली है जो कि पाकिस्तान का एक आतंकवादी संगठन है। कौन है ये जैश महमूद और क्या क्या दाग दिए हैं इसने हमारे देश को, इसका इतिहास भी हमारे देश से जुड़ा है। 90 के दशक में जब जम्मू एंड कश्मीर की मिलिटेंसी काफी ज्यादा बढ़ गई थी तो उस वक्त हरकत उल मुजाहिदीन नाम का एक आतंकवादी संगठन कश्मीर में एक्टिव था और इसी संगठन का एक बड़ा लीडर और आतंकवादी मौलाना मसूद अजहर था। 1993 में हरकत उल मुजाहिदीन का एक दूसरे आतंकवादी संगठन हरकत उल जिहाद अल इस्लामी के साथ मिलाकर एक नया नाम हरकत उल इंसार दिया जाता है और इसी सिलसिले में मौलाना मसूद अजहर को 1993 में पाकिस्तान से कश्मीर आना पड़ता है। लेकिन इसके फौरन बाद फरवरी 2014 में मौलाना मसूद अजहर अपने दो साथियों के साथ कश्मीर से गिरफ्तार कर दिया जाता है जो कि भारतीय सेना के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। मौलाना मसूद अजहर भारत आने से पहले अफगानिस्तान में रशिया के खिलाफ लड़ा था और इसी दौरान काफी बार घायल भी हुआ था। इसके बाद ही मौलाना मसूद अजहर को हरकत उल मुजाहिदीन का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया था। लेकिन जब 1999 में इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट 814 को हाईजेक करके अफगानिस्तान के शहर कंदार में लिया जाता है तो उस वक्त की अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को अपने ही देश के लोगों के दबाव में आके फ्लाइट में बैठे 190 पैसेंजर्स की रिहाई के बदले मौलाना मसूद अजहर और उसके दो साथियों को अफगानिस्तान में पहुंचा के रिहा करना पड़ता है। इसके एक साल बाद ही पाकिस्तान में बैठ के मौलाना मसूद अजहर ने जैश महमूद नाम का एक नया आतंकवादी संगठन बनाया। इसके बाद 2001 में जैश महमूद ने ही जम्मू एंड कश्मीर की विधानसभा पर आतंकवादी हमला करवाया जिसमें 38 लोगों की जाने गई। इसके बाद 2000 में ही इसी संगठन ने भारत के पार्लियामेंट के ऊपर एक बड़ा आतंकवादी हमला करवाया जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया। 2016 में हुए पठानकोट के एयरबेस अटैक में जैश मोहम्मद का ही हाथ था और इसके बाद 2016 में हुए उड़ी अटैक में भी जैश मोहम्मद का नाम आया और अब पुलवामा में हुए इस बड़े आतंकवादी हमले के पीछे भी जैश मोहम्मद का नाम आ रहा है। अब यहाँ सवाल उठता है कि जिस आतंकवादी को हमने 190 लोगों की रिहाई के बदले छोड़ दिया था उसने और उसके संगठन ने उसके बाद कितने ही मासूमों को मार दिया है। भले ही उस वक्त हमने 190 लोगों की जान बचा ली हो लेकिन उसके बाद इससे भी ज्यादा लोगों की मौत की वजह भी यही एक डिसीजन बन गया। मौलाना मसूद अजहर की रिहाई हम लोगों के लिए एज ए नेशन एक बहुत बड़ी हार थी। दोस्तों इसमें कोई शक नहीं है कि इस संगठन के पीछे पाकिस्तान का हाथ है लेकिन इसमें सबसे बड़ी भूमिका चाइना की भी है। दोस्तों ये बड़ी हैरानगी की बात है कि जिस आदमी को इंडिया, यूएस और ब्रिटेन जैसे देश आतंकवादी मानते हो उसे अभी तक यूनाइटेड नेशंस ने आतंकवादी नहीं माना है। जब जब भारत ने मौलाना मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने का रेजोल्यूशन यूएन में पेश किया है हर बार चाइना ने अपना वीटो पावर यूज करके मौलाना मसूद अजहर को बचा लिया है। यहाँ पर सवाल चाइना के ऊपर उठता है, मौलाना मसूद अजहर को बचाने में उसका क्या फायदा है और क्यों चाइना अभी तक आतंकवाद के मुद्दे पर दोगलापन दिखा रहा है। दोस्तों इस हमले के बाद भारत सरकार भी एक्शन में आ गई है और भारत ने पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस छीन लिया है। पाकिस्तान को पूरी दुनिया में अलग थलग करने की प्रणाली भी शुरू कर दी गई है। दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं भारत के पार्लियामेंट इलेक्शन अब ज्यादा दूर नहीं है तो इसकी वजह से भी भारत सरकार पर काफी बड़ा दबाव है कि इस हमले का बदला बड़ा होना चाहिए और शायद आने वाले दिनों में हम ये जवाब देख सकते हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है कि भारत को इसका जवाब किससे देना चाहिए, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों चलिए अब आपके साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद जय भारत।